हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हरियाणा पुलिस फीमेल कॉन्स्टेबल और फीमेल SI का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिजिकली पंचकुला जाने से पहले आपको ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो अपलोड करने हैं। तो उससे संबंधित एक मैसेज शेयर किया है चेयरमैन साहब ने और ये एक सोशल मीडिया पे हमें ये वीडियो मिली है। यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार का मैसेज और क्या कुछ कहा गया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आज मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, सोशल मीडिया और जो यूट्यूबर्स हैं वो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। जिन बेटियों बहनों का SI और फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर हुआ है और हमने स्क्रूटनी के लिए बोला है, 18 से 20 तारीख तक वो स्क्रूटनी के लिए आएंगे, मगर उन्होंने 14 से 17 तारीख तक ऑनलाइन स्क्रूटनी करानी थी। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि कैटेगरी कोई गलत दिखा रहे हैं या फिर फार्म में कुछ एरर है, ठीक तरह से भरा नहीं जा रहा है। उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तारीख को आपको फिजिकली उपस्थित होने के लिए कहा है उस दिन अपना स्क्रूटनी का सेट और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप लेके आएंगे और उसमें जो भी कोई कमी है या स्क्रीन पे आपका अपलोड नहीं हो रहा या कैटेगरी गलत दिखा रहे हैं, ये सारी त्रुटियां हम उसी दिन वहीं बैठ के ठीक करेंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे बड़े इत्मीनान से इस बात को समझ लें। और जो और इसके अलावा ये मैसेज आपने देख लिया है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें जो नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है वो कैसे अपलोड करना है। तो सेल्फ टेस्टेड वो आपका चलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगी, आपको तहसील से बनवाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सारे अपलोड करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जिस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पे इसमें दिखानी है अच्छे तरीके से। और यदि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि HSSC चेयरमैन साहब ने बताया है उस तरीके से आप हैंडल कर पाओगे उस प्रॉब्लम को। और बस ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे भी यदि आप हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन सही समय पर जानना चाहते हैं तो नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।